हेलो जैन दोस्तों मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम की क्लासेस में आज की जो हमारी क्लास है ये हमारी मैथ की स्पेशल क्लास होने वाली है आप सभी बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे सर एक मैथ का भी सेक्शन लेकर आइए तो देखिए पहली बात जो टॉपिक वाइज क्लास है जो वैकेंसी आ जाएगी तब स्टार्ट करेंगे ठीक है अगर उससे पहले भी आपको टॉपिक वाइज क्लास करनी है

चलिए बढ़ते हैं स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर जल्दी से आंसर करिएगा कि यदि A, B, का औसत बीस है बी सी डी का औसत पच्चीस है यदि D का मान 30 दे रखा है तो ए का मान ज्ञात करें जल्दी से इसका आंसर करिए और देखिएगा सेशन के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा अगर आपको मैथ नहीं आता है तो यहां पर सीखिए किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे बेसिक नहीं बताने वाले हैं टेस्ट लगेगा अच्छा लगेगा सेशन सभी प्रश्न बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट एड किए हैं तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ जय श्री राम जी सभी को जय हिंद जय भारत गुड मॉर्निंग चलिए जी देखो जी ए बी सी ठीक है यहां पर मैंने क्या लिखा है देखो क्या है क्वेश्चन कि ए बी और सी टोटल तीन संख्याएं हो गई ना टोटल तीन अल्फाबेट हैं इनका औसत 20 है यानी कि ये टोटल कितने हैं टोटल तीन हैं इनका औसत 20 है अगर मैं तीन को 20 से गुणा कर दूं तो एबीसी का टोटल कितना हो जाएगा साठ हो जाएगा ठीक है आगे क्या दे रखा है आपको दे रखा है बी सी और डी ये भी टोटल तीन हैं इनका औसत आपको दे रखा है 25 अगर मैं तीन को 25 से गुणा कर दूं तो इनका जो टोटल हो जाएगा बीसीडी का वो हो जाएगा आपका सेवनटी फाइव इतना क्लियर है आपका यहां पर सभी का क्लियर होगा कोई डाउट नहीं होगा अब यहां पर बोला है जो डी है ना डी का मान आपको दे रखा है कितना थर्टी डी तो मुझे दिखाई दे रहा है इस वाले ऑप्शन में है ना इस वाले पेयर में डी है अब तीनों का टोटल कितना है सेवनटी फाइव इसमें से अगर मैं डी का मान निकाल दूं जो कि तीस है तो बी और सी का मान कितना बच जाएगा 75 में से 30 माइनस कर देंगे जो कि डी का मान है तो बी और सी का मान बचेगा वो कितना बचेगा आपके पास 45 बचेगा समझ गए चीजों को आपको बोला है क्या ए का मान कितना होगा ए की वैल्यू बतानी है ए देखो पहले वाले पेयर में है ना आप देखो बी और सी का मान कितना है फोर्टी फाइव अगर इसमें से मैं बी और सी का मान घटा दूं पैंतालीस तो ए का मान ही तो बचेगा तीनों का टोटल कितना है सिक्सटी है यानी कि ए का मान निकालने के लिए सिक्सटी में से हम फोर्टी फाइव माइनस कर देंगे तो यहां पर पंद्रह जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है बताइए पैतालीस नहीं आंसर आएगा सर 45 तो आपका बी और सी का मान है ए का मान कितना आ जाएगा पंद्रह आ जाएगा अभी से मिस्टेक करोगे इतने आसान प्रश्न में गुड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आपके सामने है आंसर करिए जब एन को पांच से विभाजित किया जाता है तो शेषफल दो आता है ठीक है तथा को पांच से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा यह वाला प्रश्न ना ऑब्जर्वेशन से हो जाएगा ऑब्जर्वेशन से कैसे सॉल्यूशन पे चलते हैं अगर आपको समय चाहिए तो आप सेशन को रोकिएगा शर्ट अच्छी है ठीक है जी देखो भाई ध्यान से समझो ठीक है ना एन का मान मैं कुछ भी मान लेता हूं कि पांच से भाग करने पर दो शेषफल आना चाहिए अगर मैं देखो सात को पांच से भाग करता हूं पांच एकम पांच तभी तो हमारा दो रिमाइंडर आएगा इसका मतलब मैंने क्या माना है जो एन है हमारा वो आपका सेवन हो जाएगा ठीक है अब बोला है एन स्क्वेयर को यानी कि सात का जो स्क्वेयर करेंगे तो कितना होगा फोर्टी नाइन इसको पांच से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा ये बताना है इसका मतलब 49 को अगर मैं पांच से डिवाइड करता हूं फाइव नाइन फोर्टी तो रिमाइंडर हमारा कितना बच जाएगा चार और ये चार आपका ऑप्शन सी वाला आंसर हो जाएगा जिसने ऑप्शन सी को दिया है सुखप्रीत सिंह ने तीन आंसर दिया है तीन गलत है दोस्त तीन वाले भाई दीपक गलत आंसर है चौहान का सही है अमन भाई अविनाश सही है चार आंसर होगा ठीक है जी चैनल सब्सक्राइब कर दिया है सीदेश बहुत बढ़िया धन्यवाद आगे बढ़े समझ में आया सभी को आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने थर्ड है स्क्रीन पर कि दो संख्याएं पहली संख्या से 20 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत अधिक हैं तो तीसरी संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक होगी ये आपको बताना है ये प्रश्न सिंपल है बहुत सिंपल करोगे ध्यान से तो आसानी से निकल पाएगा आप लोग ना वीडियो को चलते रहने दो साथ साथ कॉपी पेन लेकर सॉल्व भी करते रहो अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा पॉज कर लो कोई दिक्कत नहीं है बट मेरे साथ साथ आंसर देने का प्रयास करना ठीक है ना देखो तीन संख्या क्या ए रेशो बी रेश अब हमको संख्या नहीं दी है तो मैं पहली संख्या को सो मान लेता हूं देखो आप कुछ भी मानोगे आंसर पे कोई समस्या नहीं आएगी सो इसलिए माना है कि कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाती है अब सो से पहली संख्या से एक बीस प्रतिशत अधिक है यानी कि दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी और ये 50 प्रतिशत अधिक है 100 से तो तीसरी संख्या हो जाएगी 150 सौ पचास ये संख्याएं आ गई बोला है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या जो है वो दूसरी से कितने प्रतिशत अधिक है सिंपल देखो तीसरी संख्या दूसरी से कितने प्रतिशत अधिक है कितने का डिफरेंस है तीस का डिफरेंस है ठीक है ना कितने से दूसरी संख्या से बोला है ना दूसरी संख्या 120 है जिसको हम डिवाइड में ले लेंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे परसेंटेज के लिए से से ये जीरो जीरो बारह और चार से कैंसिल करेंगे हंड्रेड को तो ट्वेंटी जाएगा यानी कि पच्चीस परसेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सर क्या सभी ऑप्शन आंसर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का पच्चीस प्रतिशत जिसने आंसर दिया है उनका राइट है क्वेश्चन नंबर डालो भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दे रहे हो ठीक है ना क्वेश्चन नंबर नंबर जरूर डालना सभी को क्वेश्चन देखिएगा दो संख्याओं का अनुपात सात अनुपात ग्यारह है यदि उनका एच सी एफ तेरा है तो एलसीएम ज्ञात करो यह ना बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट है चलते हैं सॉल्यूशन पे देखो दो संख्याओं का रेशो क्या दे रखा है सात रेशो ग्यारह अब यहां पर एच दिया है ना तेरा तो हम इसका भी एस ले लेंगे रेशो का रेशो का एस सी तेरा लेंगे सॉरी रेशो का एस कितना हो जाएगा एक हो जाएगा इनका एच सी एक होगा और एक का मान दे रखा है आपको कितना तेरा संख्याएं निकाल लो पहले अब देखो संख्याएं क्या हो जाएंगी तेरह को सात से मल्टीप्लाई करेंगे तेरह सत्ते इक्यानवे ये हो गई आपकी पहली संख्या तेरह को ग्यारह से मल्टीप्लाई करेंगे वन फोर्टी थ्री आएगा ना तेरह को ग्यारह से मल्टीप्लाई करेंगे वन फोर्टी थ्री ये आपकी हो गई दूसरी संख्या दोनों संख्याएं निकल गई एलसीएम निकाल लोगे यहां से नहीं निकाल पाओगे अगर आपको तरीका नहीं पता है तो इनका एलसीएम निकालने में आपको बहुत समय लग जाएगा और शायद आंसर निकले ना निकले वो भी हो सकता है ठीक है ना अब यहां पर देखो क्या ट्रिक लगानी है जब आपको दोनों संख्याएं दी हो और एच या एलसीएम में से कोई भी एक चीज दी हो दूसरी चीज अपने आप निकल जाएगी फॉर्मूला क्या है देखो फॉर्मूला है आपका एलसीएम गुणा एच बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लीकेशन ठीक है एलसीएम हमें निकालना है तो मैंने यहां पे एलसीएम डायरेक्ट लिख लिया एच कितना है हमारा तेरह है बराबर एक संख्या नाइनटी वन है और एक संख्या कितनी है वन फोर्टी थ्री है सिंपल अब ये तेरह से आपका नाइन वन डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम में सेवन टाइम में सात को एक सौ तरतालीस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा वन जीरो सी करेक्ट आंसर है ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर चार का ऑप्शन सी है भाई एस एस सी जी डी का क्लास चालू करेंगे थोड़ा सा वेट कर लो उसके बाद चालू करेंगे एस एस सी जी डी का भी अपने दूसरे चैनल पर शुभमी क्लास इस पर ऑप्शन सी करेक्ट है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव एक पहिए का व्यास सात सेंटीमीटर है उसकी परिधि बतानी है आसान और यह बहुत सिंपल प्रश्न है सर बहुत सिंपल ठीक है ना पहिया क्या है वृत्त होता है सर्कल होता है वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है वृत्त की परिधि निकालने का टू पाई आर ठीक है आप देखो दो गुणा पाई का मान कितना लेते हैं बाईस बटा सात गुणा अगर व्यास सात सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी त्रिज्या व्यास की आधी होती है त्रिज्या हो जाएगी सेवन बाई टू या फिर थ्री पॉइंट फाइव भी लिख सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है no ये दो से हमारा ये दो कैंसल ये सात से ये सात कैंसल क्या आंसर आ जाएगा बाईस सेंटीमीटर जो है वो आपकी परिधि आ जाएगी सरकमेंस आ जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा जी क्वेश्चन नंबर पांच का जिसने ऑप्शन ए दिया है उनका राइट है 44, 44 था किसका आंसर था है? नहीं फोर्टी फोर नहीं आएगा भाई फोर्टी फोर नहीं आंसर आएगा ये व्यास दे रखा है मिस्टेक कर जाते हो देखो आप छोटी छोटी बात पर ये व्यास है डायामीटर है रेडियस नहीं है ये आगे बढ़ते हैं सिक्स नंबर किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की तीन गुणी है यदि इनका परिमाप चौबीस सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई बताओ बहुत आसान है जैसे मैं करवा रहा हूं ना बहुत आसान क्वेश्चन है भाई ठीक है ना बेसिक क्लियर करो प्रैक्टिस करो अग्निवीर जीडी का पेपर भाई नई भर्ती आ जाएगी आपकी जनवरी फरवरी तक मैथ थोड़ी सी कम आती है पर्थ ठाकुर कोई बात नहीं पर सिलेक्शन तो मैथ भी दिलाएगा ना जीके जीएस सभी पढ़ेंगे पर जीके जीएस आउट ऑफ सिलेबस भी आ सकता है पता नहीं कहां से भी आ सकता है कुछ भरोसा नहीं है मैथ तो आपका सिलेबस में से ही आना है तो मैथ पर ध्यान दो देखो आयत का परिमाप अगर मैं आपको बोलूं कि आयत का परिमाप का फॉर्मूला बता दो क्योंकि यहां पे परिमाप दे रखा है परिमाप होता है टू इन टू एल प्लस ठीक है देखो लंबाई जो है चौड़ाई की तीन गुना है अगर यहां पर ध्यान से देखिएगा लंबाई अगर मैंने तीन एल ले ली तीन गुना है तो चौड़ाई क्या है इसका मतलब चौड़ाई एल होगी एल है तभी तो तीन गुना तीन एल होगा ठीक है अब परिमाप दे रखा है तो परिमाप का फॉर्मूला लगा देंगे ये परिमाप का फॉर्मूला हो गया परिमाप कितना दे रखा है ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर ये दो से हम चौबीस को भाग कर देंगे तो कितनी बार में कैंसल हो जाएगा ये बारह बार में इट देखो तीन एल में एक एल जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? ये चार एल चार एल बराबर किसके हो जाएगा बारह के चार से हम बारह को भाग कर देंगे तो एल का मान कितना आ जाएगा तीन आ जाएगा ठीक है हमको चौड़ाई ही तो बतानी है चौड़ाई क्या है सिर्फ एल है एल का मान कितना है तीन है तो तीन सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा आपका मैच करो जी आंसर मैच करिए फटाफट से सर आई एम न्यू स्टूडेंट शिवम पटेल धन्यवाद भाई मोस्ट वेलकम है आपका लाइक कर देना देखो मैथ की क्लास में न, बच्चे जुड़ते नहीं है वन नाइनटी फाइव है दो सौ है तीन सो नहीं जाते हैं पर फिर भी कोई बात नहीं मैथ जरूरी है तो करवाते रहेंगे एक व्यक्ति की आय दस परसेंट बढ़ी कुछ दिनों बाद पुनः बीस परसेंट बढ़ गई इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है इसको आप ना दो तरीके से कर सकते हैं आप इसको सक्सेसिव रेट वाले तरीके से भी कर सकते हैं सक्सेसिव रेट मतलब x plus y plus x y 100. इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं ठीक है और मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं आप उससे भी कर सकते हैं देखो मैंने माना उस व्यक्ति की आय कितनी थी सौ रुपए थी शुरू में सौ रुपए थी पहले दस परसेंट बड़ी है सौ का दस परसेंट कितना होता है तो सौ का दस परसेंट होता है दस पहले दस परसेंट बड़ी है तो व्यक्ति की आय हो जाएगी एक सौ दस रुपए ठीक है फिर बड़ी है बीस परसेंट अबेंट एक सौ दस में से बड़ी है सौ में से नहीं एक सौ दस परसेंट बड़ी होगी ना दस परसेंट बढ़ने के बाद बीस परसेंट बड़ी है एक सौ दस का बीस परसेंट निकाल लेना बाईस होता है ये मैंने आपको बताया भी है एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे ये दस परसेंट हो जाएगा बीस परसेंट निकालना है इसको दो से गुणा कर दो ठीक है बाईस हो जाएगा इसको बाईस में जोड़ेंगे तो एक सौ बत्तीस हो जाएगा ये बोला है व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई शुरू में व्यक्ति की आय कितनी थी सौ रुपए अब कितनी हुई है एक सौ बत्तीस रुपए तो सौ से कोई भी चीज जितना भी बढ़ेगी उतना ही प्रतिशत होता है यानी कि टोटल बत्तीस प्रतिशत की वृद्धि हुई है ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है जी अभय यादव आपका नाम ले लिया है जी है ना सेम कमेंट प्लीज बार बार मत करना है ना अच्छा नहीं लगता है मैंने आपका नाम ले लिया है चलो भाई समझ में आया सभी को बत्तीस परसेंट आएगा तीस परसेंट कौन दे रहा है ये अनिरुद्ध भाई तुक्का मत लगाओ है ना सोल्व करो नहीं हो रहा है तो सोल्यूशन देख लो आगे बढ़ते हैं आठ नंबर ए बी को एक सूटकेस दस प्रतिशत लाभ पर बेचता है तथा बी ने सी को तीस परसेंट लाभ पर आगे बेच दिया यदि सी ने उसे छब्बीस सौ अस्सी रुपए में खरीदा हो तो ए ने कितने रुपए में खरीदा होगा अब देखो इसको कैसे करेंगे दिख तो सभी को रहा होगा है ना ध्यान से देखिएगा यहां पर लिख लेता हूं मैं a:b:c अब a का मान तो हमें पता नहीं है वैल्यू नहीं दे रखी है तो मैंने माना a ने वो वस्तु 100% में खरीदी होगी a ने तो 100% में ही खरीदी होगी ना जब शुरू में खरीदी है उसने 10% के लाभ पर आगे बेच दी तो 100 का 10% 110 10 यानी कि उसने b को एक सौ दस रुपए में बेच दी वो वस्तु एक सौ दस परसेंट पर वो वस्तु ठीक है अब आगे देखो एक सौ दस लगा लो या फिर परसेंटेज रहने दो ठीक है ना सिर्फ सौ और एक सौ दस मान के चलो परसेंटेज फिर आगे लफड़ा पड़ जाएगा आपका इसको रेशो बना लेना रेशो में ले रखा है हमने देखो हो गया अब क्या है बी ने सी को तीस परसेंट लाभ पर आगे बेचा है एक सौ दस का तीस परसेंट निकालो कितना होगा ग्यारह को तीन से गुणा करेंगे तैतीस तो यहां पर तेतीस जोड़ दो इसमें तो सी ने बी ने सी को वह एक सौ तरतालीस रेशो में बेची होगी ठीक है ना एक सौ तरतालीस की बेची है और यहां पर कितने रुपए की बेची है छब्बीस अस्सी रुपए की इसका मतलब एक सौ तरतालीस जो रेशो है जो रेशो में आपका वन फोर्टी थ्री है इसका मान कितना है छब्बीस अस्सी है ठीक है आप भाग कर दीजिएगा यहां से एक से कैंसल करेंगे तो ये दो बार में चला जाएगा ट्वेंटी आंसर यहाँ पे एक रेशो का मान हो जाएगा बीस बीस बार में कट रहा है भाई सिंपल दिखाई दे रहा है आपको बोला है ए ने कितने रुपए में खरीदा होगा ए के खरीदने का रेशो कितना है सो है तो एक रेशो का मान बीस है तो सौ का मान निकालना है क्या करेंगे सिंपल बीस को सौ से गुणा कर देंगे तो ए ने वह वस्तु जो है दो हजार रुपए में खरीदी थी ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आठ नंबर का देखें क्या आंसर किया है भैया क्लास दस बजे होती है आज जीके की क्लास नहीं है आज मैथ की क्लास है दीपक पटेल चौहान रंजन कुमार सबका गलत है ये सब सोलह आंसर दे रहे हैं अरे कुछ खाया पिया नहीं है क्या दिमाग नहीं लग रहा आप लोगों का मैथ बिल्कुल नहीं आती है टॉपिक वाइज भी देखिए टॉपिक वाइज अवेलेबल है एक व्यक्ति तीस के लाभ पर गेहूं बेचता है यदि वह उसके विक्रय मूल्य को साठ रुपए कम कर देता है तो उसे दस प्रतिशत की हानि होती है गेहूं का क्रय मूल्य ज्ञात करें ये शायद आप लोग बहुत कम बच्चे कर पाएंगे इसको मैं इसका एक ट्रिक बताऊंगा इस टाइप से अगर प्रश्न आएगा तो कैसे करेंगे ठीक है देखो पहले तीस परसेंट का लाभ हो रहा है मैंने माना कोई वस्तु जो है जो है गेहूं का मूल्य है वो सौ रुपए है ठीक है पहले बेचता था तीस परसेंट के लाभ पर तो सौ का तीस परसेंट कितना होगा एक सौ तीस ठीक है दूसरा केस अगर साठ रुपए कम में बेचे तो दस परसेंट की हानि होती है यानी कि जो सौ रुपए की वस्तु है आपका गेहूं है उसको दस परसेंट की हानि पर अगर बेच रहा है तो वो उसे नाइनटी रुपीज की बेचेगा कितने की बेचेगा जी नाइनटी रुपीज की बेचेगा समझ गए ना अब ये देखो परसेंटेज में जो अंतर है वो कितने का है परसेंटेज में मैं देख रहा हूं भाई चालीस का अंतर है परसेंटेज में अंतर कितने का है चालीस का है ठीक है ना और यहां पर कितने रुपए का अंतर है साठ रुपए का अंतर आ रहा है यानी कि चालीस परसेंट का जो मान है वो साठ रुपए के बराबर हो जाएगा हमको क्या बताना है क्रय मूल्य क्रय मूल्य अपने आप में सो परसेंट होता है क्योंकि क्रय मूल्य पर ही उसके बाद ही हम बेचेंगे तो प्रॉफिट या लॉस होगा उससे पहले वो वस्तु सौ परसेंट के लाभ पर या सौ परसेंट पर होगी कोई लाभ ना प्रॉफिट ठीक है तो सौ परसेंट का मान आपको निकालना है क्रय मूल्य तो कैसे निकालोगे सीधी सी बात है साठ डिवाइड बाई चालीस करेंगे क्रय मूल्य निकालना है यानी कि 100 परसेंट का मान तो 100 से गुणा कर दो ये आपका क्रय मूल्य आ जाएगा सिंपल ठीक है जी ये जीरो से आपकी जीरो कैंसिल चार से काटेंगे तो यह ट्वेंटी पच्चीस को छह से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सौ पचास रुपए आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा जिसने ऑप्शन ए को दिया है एक सौ पंचानवे दीपक पटेल आठ नंबर क्वेश्चन वापिस देखो सर क्या हो गया भाई बताओ वन फोर थ्री छब्बीस सौ अस्सी यहां पर मिस्टेक है थोड़ी सी देखो ये क्या है टू एट सिक्स जीरो अट्ठाइस सौ साठ है यहाँ पे है ना प्रश्न में एक मिनट अट्ठाइस सौ साठ है यहाँ पे स्टेटमेंट में अट्ठाइस सो साठ हाँ क्या नाम है आपका भाई ऐसे करेक्ट करवा दिया करो बस ठीक है नहीं तो मिस्टेक हो जाती है गोपाल सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर जो है ये अट्ठाईसो साठ रुपए है ठीक है ना क्या है ये अट्ठाईसो साठ रुपए है अब यहां से क्लियर कर देना ठीक है अट्ठाईस सो साठ ठीक है जी क्लियर हो गया अब आपका चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई मैं इसको सही कर दूंगा बाद में क्वेश्चन नंबर दस है पंद्रह बच्चों का औसत भार चालीस के है एक बच्चा जिसका भार साठ के जी चला जाए तो शेष बच्चों का औसत भार क्या होगा यह आपको बताना है जल्दी से आंसर करिए जी डी की भर्ती नवंबर में आ जाएगी नवंबर के लास्ट वीक में गोपाल सिंह आर्मी मोदी मैंने सही कर दिया है भाई वो ठीक है अट्ठाईस सौ साठ है वो ध्यान रखिएगा देखो अब पंद्रह बच्चों का औसत भार कितना है चालीस के जी है अगर मैं पंद्रह को चालीस से गुणा कर दू पंद्रह को चालीस से गुणा कर दू तो पंद्रह बच्चों का टोटल भार कितना आ जाएगा 600 सौ के आ जाएगा ठीक इसमें से एक बच्चा जिसका भार साठ किलोग्राम है वो निकल गया तो 600 में से साठ के वाला बच्चा निकल गया कितना बच्चा यहां पे पांच यहां पर भी जो है ना मिस्टेक है थोड़ा सा भाई मैंने ना एक बंदा रखा है टाइपिंग वाला वो गड़बड़ कर रहा है आजकल यहां पर क्या है साठ के जी नहीं है ये चालीस के जी है यहां पर कहा गया ये साठ के जी नहीं है भाई ये है चालीस के जी चालीस के जी वाला बच्चा निकलेगा ठीक है ना करो जल्दी से सॉल्व करो पहले आप लोग आठ नंबर क्वेश्चन भाई हो गया गोपाल सिंह कर तो दिया भाई सेम मत करो रिपीट एसएससी जीडी का क्लास अभी नहीं होगा कुछ टाइम बाद होगा अभी नहीं होगा आज मेरा चौथा दिन है ठीक है जी ओके देखो ध्यान से यहाँ पर 40 के जी वाला बच्चा निकला है तो 40 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 560 बचेगा ठीक है ना अब 560 है कितने बच्चों का तो ये टोटल है भाई 14 बच्चों का 15 बच्चों का टोटल 600 है एक बच्चा 40 के जी वाला निकल गया तो ये 560 जो है ये 14 बच्चों का टोटल है अब नया औसत क्या हो जाएगा चौदह से भाग करेंगे तो चौदह चौके छप्पन यहां पे चालीस के जी नया औसत हो जाएगा चालीस के जी आपका ऑप्शन डी करेक्ट है जी हां भाई उसकी क्लास लेनी पड़ेगी अब अब तो आगे सारे क्वेश्चन चेक करने पड़ेंगे कुछ गड़बड़ ना कर रखी हो भाई उसने नहीं तो दिक्कत हो जाएगी ग्यारह है इसका आंसर करो क्वेश्चन नंबर ग्यारह का आंसर दो बारह बहत्तर अठारह का एलसीएम निकालो भाई बारह छत्तीस और बहत्तर का एलसीएम ज्ञात करिए देखो क्वेश्चन मिस्टेक है मैं साथ साथ सही कर देता हूं जो आपका फॉर्मूला है जो तरीका है वो तो आपका सही चल रहा है आंसर वैसे ही आएगा यहाँ पे एलसीएम निकालना है एलसीएम क्या है देखो मैं देख रहा हूं सभी एक दूसरे के मल्टीपल हैं तो इसमें जो सबसे बड़ी वाली संख्या है ना सेवन पहले इसको चेक कर लेना आप लोग ठीक है ना अगर ये सबसे भाग हो रही है तो आपका यही एलसीएम होगा सेवनटी टू ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ठीक है ना अगर ये डिवाइड नहीं होता तो इसका डबल कर देते बड़ी संख्या का आम शॉर्टकट होता है एलसीएम निकालने का अठारह चौक बहत्तर ये डिवाइड हो रहा है आपका बहत्तर एलसीएम हो जाएगा बारह नंबर देखिएगा एक बहुभुज के अंत कोणों का योग 540 डिग्री है बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं क्वेश्चन नंबर 12 है स्क्रीन पर आंसर दीजिए जल्दी से बारह के बाद कोमा आएगा ठीक है चलिए फ्यूचर फौजी ठीक है जी जो मैंने मैथ की बुक बताई थी वो ऑनलाइन मिल जाएगी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं अब देखो अंतः कोणों के अंतः कोणों के बहुभुज के योग का फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको पूछेगा कि अंतः कोणों के किसी बहुभुज के अंतः कोणों के योग का सूत्र क्या होता है तो ध्यान रखिएगा n 2 180 डिग्री होता है ठीक है n 2 180 डिग्री होता है देखो अब यहां पर करेंगे n 2 into 180 डिग्री जिसका मान आपको दे रखा है ऑलरेडी कितना 540 डिग्री ठीक है जी ये जीरो से जीरो कैंसिल 18 से काट देंगे 18 3 54 अब देखिए n 2 इज इक्वल टू क्या है आपका 3 है तो ये माइनस का दो इधर जाके प्लस हो जाएगा इट जो आपकी एन की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी फाइव आ जाएगी आपका फाइव आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला जिसने ऑप्शन डी को दिया है उनका राइट आंसर है जी मैच करिए गुड क्वेश्चन नंबर तेरह है बीस व्यक्ति सात घंटे प्रतिदिन काम करके बारह दिन में एक तालाब खोलते हैं बारह दिन में एक तालाब खोदते हैं इसकी तो क्लास लेनी पड़ेगी भाई गलत कर रहा है क्वेश्चन टाइप चलिए चौबीस व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके दुगना बड़ा तालाब दिन में व्यक्ति सात घंटे प्रतिदिन कार्य करके बारह दिन में एक तालाब खोदते हैं ठीक है ये टोटल तालाब की क्या है ये गुणा करते रहेंगे तो ये वर्क हो जाता है एक तरह से ये तालाब का जो है आपका मान है डिवाइड बाई चौबीस व्यक्ति ठीक है कितने घंटे प्रतिदिन काम करके तो मैंने यहां पे घंटे मतलब एच लिख दिया दुगने तालाब को दो गुना बड़ा तालाब है तो यहां पर हम क्या कर देंगे गुणा दो कर देंगे तालाब को डबल कर देंगे ठीक है चौदह दिन में खोद लेंगे चौदह से डिवाइड कर दो ये आपका आंसर आ जाएगा जिसने यहां पर सॉल्व कर दिया उसका आंसर आपके सामने है करो भाई सॉल्यूशन जल्दी से पांच ठीक है जी हां टाइपिंग किसने की है ये वाली भाई रखा है यार एक लड़का सोचा थोड़ी हेल्प हो जाएगी पर वो गड़बड़ कर रहा है अभी नया नया है ना थोड़ा सा टाइपिंग में समस्या आ रही है उसको हो जाएगा ठीक हो जाएगा धीरे दिर धीरे अपन यहाँ तो क्वेश्चन ठीक कर ही देते हैं फिर भी देखो अब यहाँ पर क्या है बारह से कैंसिल करेंगे बारह दूनी चौबीस दो से आपका ये दो खत्म सात से काटेंगे सात दूनी चौदह और दो से आपका ये बीस कट जाएगा दस बार में यानी कि आपका दस घंटे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिसने ऑप्शन डी को आंसर दिया है ना उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है गुड बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौदह है आज का सेकंड लास्ट दो अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या है दो अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या होगा जल्दी बताइए आंसर क्या करोगे आप लोग देखो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं जो एक पर या फिर खुद पर डिवाइड होती हैं इसके अलावा कहीं डिवाइड नहीं होती दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी 97, 97 होगी ना 98 डिवाइड हो जाएगा 99 भी डिवाइड हो जाएगा ये डिवाइड नहीं होगा और दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी ग्यारह होगी इसका डिफरेंस बताना है आपको तो इसका डिफरेंस हो जाएगा एटी ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा जी ये है क्वेश्चन नंबर पंद्रह आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर और देखिएगा इसके बाद सवेरे ग्यारह बजे एक घंटे बाद ही ग्यारह बजे हमारा दूसरा चैनल है शुभम ई क्लासेस टू पॉइंट जीरो क्योंकि जो आर्मी वाले हैं जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्या करेंगे हम अभी लास्ट सिक्स मंथ के लास्ट सिक्स मंथ के करंट अफेयर करेंगे और वो भी टॉप फिफ्टी ठीक है ना इसलिए बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं है टॉप फिफ्टी क्वेश्चन सेलेक्टेड लास्ट सिक्स मंथ के करने वाले हैं ग्यारह बजे शुभम ई क्लासेस टू पॉइंट जीरो पर भी आपको जुड़ना है अब इसका आंसर करो भाई इसका आंसर जल्दी से करो कैसे करोगे इधर कर देते हैं इसको चलो जी जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन करो फटाफट हेलो सर मेरा नाम ले लो नीरज उत्तराखंड भाई ठीक है जी कोई नहीं सर हो जाता है टाइपिंग में गड़बड़ गड़बड़ तो होती रहती है कोई दिक्कत नहीं है सही होना चाहिए बाद में हाँ जी आठवीं प्लस ट्रेडमैन में भी चलेगा ये देखो अब ध्यान से मैं आपको एक चीज बता रहा हूं यहाँ पर जो स्पीड है ना वो टाइम की यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है समझ गए यानी कि कह, अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा कहीं पर पहुंचने में अगर आपको टाइम ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब आपकी स्पीड कम होगी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अपोजिट होती है ठीक है अब यहां पर देखो ये गति का अनुपात दे रखा है यानी कि स्पीड का आपको में निकालूंगा यह तीन रेशो चार क्या है देखो तीन बटे चार को हम थ्री रेशो चार लिख सकते हैं कोई समस्या नहीं है मूल गति के तीन बटे चार चलने पर यानी कि जो आपकी मूल गति है ना जो आपकी मूल गति है वो चार है अब अभी कितना चल रहा है करंट में तो करंट में जो आपकी गति है ये चल रहा है तीन ठीक है ना अब चीजों को समझो अगर मैं बोलू यहां से टाइम का रेशो कितना हो जाएगा टाइम का रेशो अपोजिट कर दो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो चार रेशो तीन टाइम का रेशो हो जाएगा ठीक है अब यहां पर कह रहा है कि बीस मिनट देरी से पहुंचता है समय का अंतर कितना है बीस मिनट का अंतर आ रहा है ना यहां पर रेशो में समय का अंतर निकालो रेशो में समय का अंतर एक है प्रश्न में कितना है बीस मिनट है एक रेशो का मान बीस के बराबर समझो। सामान्य समय बताना है कितना होगा सामान्य सामान्य समय देखो, जो यानी कि मूल समय एक्चुअल में कितना समय होता बीस मिनट देरी से ना पहुंचता तो ठीक है मूल का रेशो कितना है तीन है एक रेशो का मान बीस है तो तीन का मान कितना हो जाएगा तीन का मान कितना हो जाएगा बीस गुणा तीन कर देंगे तो एक्चुअल समय हो जाएगा आपका साठ मिनट यानी कि ऑप्शन बी जिसने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी इसको आप शॉर्टकट से भी कर सकते थे मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा फिलहाल यहाँ पे साठ मिनट आंसर आएगा डेली नहीं हो रही है हां जी डेली नहीं हो रही है बट कोशिश कर रहे हैं डेली क्लास लेने का हेलो सर एक रिक्वेस्ट है किसी संख्या क्या है तो एक बार कमेंट कर दो सेशन कैसा लगा है इन पंद्रह में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए ठीक है 2003 वाले हैं तो भर सकते हैं फार्म भाई ठीक है 15 में से नौ राइट हुए हैं आलिम पठान के आर्मी का पेड कोर्स 15 में से 14 मैं आपकी वीडियो उत्तराखंड से देख रहा हूं भाई बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज राठौर मैंने प्रश्न देख लिया है आपका ठीक है अभी करते हैं बता दो सर मैं हर रोज चेक करता हूँ आपके क्लास पर रोज नहीं होती जी डेली नहीं हो रही है अभी दिल्ली पुलिस की क्लास लग रही है उसका एग्जाम आने वाला है इसलिए थोड़ा गैप हो जा रहा है बीच बीच में कोशिश करते हैं फिर भी डेली क्लास लेने का चलो जी ठीक है सेशन अच्छा लगा होगा उम्मीद करूंगा आपको सर आपकी शादी हो गई है क्या नहीं भाई आप क्या आप शादी भी करवाओगे क्या आप लोग क्या बोला है किसी संख्या में चौतीस की वृद्धि की जाती है मान लिया मैंने माना कोई संख्या एक्स है माना क्या है संख्या जो है एक्स है अब एक्स में चौतीस की वृद्धि की जाती है भाई प्रश्न सही होना चाहिए आपका तो वह स्वयं का तीन बटे दो हो जाएगी यानी कि वो एक्स का क्या हो जाएगा थ्री बाय टू हो जाएगी है ना इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको हम थ्री बाय टू एक्स लिख सकते हैं वह स्वयं का क्या हो जाएगी थ्री बाय टू हो जा रही है तो थ्री बाय टू एक्स हो जा रही है ठीक है भाई इतना क्लियर है अब ये दो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये टू एक्स प्लस कितना हो जाएगा सिंपल तो है ये दो इधर एक्स तो का मान कितना आ जाएगा सिक्सटी एट आ जाएगा ये आपका राइट आंसर होगा भाई ठीक है इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो देखो अड़सठ में 34 की वृद्धि कर दो सिक्सटी एट में अगर मैं चौतीस जोड़ दूं कितना हो जाएगा 102 हो रहा है ना क्या हो रहा है 102 हो रहा है तो क्या यह 68 का 3 बाई टू है इसको चेक कर लो दो छ दो चौके आठ है ना चारिया बारह का दो हांसिल एक तीन तिया नौ और एक दस ये स्वयं का थ्री बाई टू भी हो रहा है और ये अड़सठ जोड़ने पर एक सौ दो भी हो रहा है ठीक है जी शिवराज सिंह राठौर इसका आंसर सिक्सटी एट आ जाएगा अरे नहीं हुई भाई अभी नहीं हुई है चलो जी उम्मीद करूंगा सेशन आर्मी एट्थ पास वाले टेंथ पास वाले सब क्लास कर सकते हैं भाई सेम लेवल आता है लेवल में कोई दिक्कत नहीं है ग्यारह बजे क्लास का लिंक शुभम ई क्लासेस टू पॉइंट जीरो टू पॉइंट जीरो सर्च करो आ जाएगा ठीक है चलो जी क्लास को बंद करते हैं उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा मिलते हैं कल तब तक के लिए जय हिंद जय भारत